नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल वेद भाई में। तो जैसा कि हम सभी अपने लाइफ में कभी न कभी ऐसे लोन लेते ही हैं, बैंक से लेते हों या फिर क्रेडिट कार्ड से, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं डेटा लोन के बारे में। जैसे कभी बार होता है कि आप कहीं भी डाटा यूज कर रहे होते हैं, उसमें आपका अचानक डेटा ख़त्म हो जाता है। आपके फ़ोन की वैलिडिटी तो अभी होती है, आपके में रिचार्ज होता है, लेकिन उस दिन का डाटा जो आपको मिला था वो यूज हो जाता है 100%, तो आपका डेटा स्लो हो जाता है बिल्कुल। तो उस समय आपको डेटा कैसे इमरजेंसी में लोन लेना है वो आपको हम बताते हैं, वो भी जियो के नंबर पे आप डाटा लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 GB तक आप ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन का करना होगा माई जियो ओपन। माई जियो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए, जैसे अभी इसमें हमारे में प्लान पड़ा हुआ है, जो ये नंबर है इसमें करंट प्लान 139 रुपये का है और एक्सपायर होने वाला है ये 4 फरवरी 2022 को। बट इसकी वैलिडिटी बची हुई है, लेकिन डाटा अभी जो इसमें 2 GB मिला था, 1.83 अभी डाटा जो कि बचा हुआ है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बचा ना होकर कि ये ख़त्म हो जाता है, तो हमें इमरजेंसी डाटा कैसे लेना होता है लोन, तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा इन थ्री लाइन्स पे। क्लिक करने के बाद आपको इमरजेंसी डाटा लोन का ऑप्शन आ रहा होगा तीसरे नंबर पे, आप इस पे क्लिक करेंगे इमरजेंसी डाटा लोन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो जैसा हम कर देते हैं क्लिक प्रोसीड पे, जैसे हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा कि 1 GB डेटा बाउचर आपको मिलेगा, जो कि प्राइस होगा 15 रुपया पर बाउचर, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बाउचर ले सकते हैं, यानी 5 GB डाटा आप ले सकते हैं। तो एक बार में 1 GB ही मिलेगा। मान लीजिए आपको 1 GB लेना है तो आप क्लिक करेंगे इमरजेंसी डेटा पे, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिख के आ जाएगी कि कौन सा नंबर है और 1 GB डेटा आप लेते हैं और इस पर जो मिलेगा ये टिल एक्टिव वैलिडिटी प्लान के लिए। तब तक मान लीजिए आपने जो ये डाटा रिचार्ज आप पे जो टैरिफ चल रहा है उसकी जो वैलिडिटी बची हुई है तभी तक ये एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये एक्टिव प्लान के साथ ही काम करेगा। अब उससे पहले ख़त्म कर लीजिए, या तब तक अगर से नहीं ख़त्म करते हैं डेली, तब तक ये जब तक ये प्लान रहेगा तब तक ये एक्टिव रहेगा। उससे पहले आपने यूज कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज उस दिन जिस दिन वैलिडिटी ख़त्म होगी आपके प्लान की, करंट प्लान की, उसी दिन ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है एक्टिवेट, अगर से रिचार्ज करना है तो आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट करते ही आपका ये देखिए 1 GB डेटा आपको लोन के रूप में एक्टिवेट हो गया। तो आप जैसे ही एक्टिवेट कर देते हैं उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको चेक करने के लिए आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा, देखिए जैसे अभी 139 रुपये का प्लान चल रहा है और इसके बाद एक और प्लान ये मिल गया, प्लस वन मोर प्लान। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे, ये देखिए आ गया कि अभी आपने 139 रुपये वाला जो प्लान चल रहा था इसमें 1.83 GB डेटा बचा हुआ है, 2 GB का रिमेनिंग, लेकिन हमने 1 GB डेटा क्रेडिट कर लिया और ये जो है ये ख़त्म कब होगा, 4 फरवरी को, क्योंकि इसमें जो करंट प्लान है 139 रुपये वाला उसकी वैलिडिटी 4 फरवरी तक है, तो ये 4 फरवरी को ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, और उससे पहले आपने यूज कर लिया तो वो पहले भी यूज हो जाएगा। अब इसको आप हम पेमेंट कैसे करेंगे, अब जैसे हमें इसकी पेमेंट करना है फिर से इसी पर क्लिक करेंगे, इमरजेंसी डेटा लोन पर जाएंगे और प्रोसीड करेंगे। तो अब देखिए कि जैसे ये दिखा रहे हैं हमने 1 GB का लोन एक ले लिया है, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बाउचर हमें मिलते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल बाउचर अभी 4 हैं, जो कि एक बाउचर हमने ले लिया है। तो अभी आप यहाँ से अमाउंट ड्यू कितना 15 रुपये दिखा रहा है, यूज्ड बाउचर हमने एक बाउचर ले लिया है, जो कि 5 बाउचर टोटल मिलते हैं, तो 15 रुपये प्राइस है। तो चाहे तो हम अगला बाउचर भी गेट इमरजेंसी पे क्लिक करके ले सकते हैं, ऐसे चारों ले सकते हैं, यानी टोटल 5 ले सकते हैं, और चाहे तो हम पुराना जो हमने 15 रुपये का एक बाउचर ले रखा है इसकी अभी कर लें, या जब मेरे पास बैलेंस हो जाए तो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको ये 15 रुपये का ये जो आपने लोन ले रखा है इस पर क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्लियर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लियर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप अपने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से
जिस भी मेथड से आप करना चाहें उसको पे करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब हमने पेमेंट कर दिया तो हमें फिर से देखना है कि हमने पेमेंट जो किया वो क्लियर हुआ या नहीं। फिर से क्लिक करना है थ्री लाइंस पे, इमरजेंसी डाटा लोन पे जाना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि फिर से मेरे पास अवेलेबल 5 वाउचर हो गए, जो कि एक वाउचर की कीमत 15 रुपये है। जो मेरा अभी पेंडिंग था, एक वाउचर मैंने लिया था उसको मैंने पे कर दिया, तो अब मेरे पास कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं रिचार्ज हिस्ट्री में कि अभी जो मैंने लिया था, ये देखिए, तो इसको मैंने पे कर दिया, आज ही लिया था और आज ही पे कर दिया। तो आप भी इस तरह से बड़े ही आसानी से आप जियो से डाटा वाउचर लोन ले सकते हैं, जो कि 5 GB तक। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूले, और आज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।